हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा और ज्वाइनिंग लेटर में धांधली देखने को मिल रही है, उससे छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उससे लेकर दिलीप कुमार ने अभी फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या लिखा है, सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि RCP टैक्स बिहार में सरकारी नौकरियों में धांधली बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने RCP टैक्स के बारे में मेंशन किया है और उन्होंने आगे क्या लिखा है कि पैसा लेकर नौकरी बेची जा रही है। आप सभी ने पिछले कुछ दिन पहले भी देखा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ है। उनका मेरिट लिस्ट में नाम होने के बाद भी उनको हटा दिया गया है। तो उससे लेकर दिलीप कुमार ने पोस्ट किया है कि कैसे पैसे लेकर नौकरी को बेचा जा रहा है। और उन्होंने क्या लिखा है कि अब एस्टेट टेट शिक्षक अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही भर्ती अभ्यर्थी, BCSC अभ्यर्थी, BPSC अभ्यर्थियों एवं अन्य सभी अभ्यर्थियों को एक मंच पर आकर एकजुट होकर महाआंदोलन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, दिलीप कुमार यहां पर आह्वान कर रहे हैं कि सभी बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह सभी लोग इस महाआंदोलन में शामिल होकर, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ पटना उतारने की तैयारी में है दिलीप कुमार। तो दोस्तों, दिलीप कुमार एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो उन्होंने जितने भी बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा होती है वो सभी के लड़कों से आह्वान किया है कि आप सभी लोग इसमें साथ दें और पटना के सड़कों पर लाखों के लाखों संख्या में छात्र को उतारने के प्रयास वो करने जा रहे हैं। और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है कि उन्होंने अपना नंबर क्या लिखा है, तो उनका नंबर आप लोग देख सकते हैं कि 7282005656। आप लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछ सकते हैं कि यह महाआंदोलन कब होने जा रहा है और किस तरह से आंदोलन होगा, आप लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और उन्होंने एक फेसबुक के माध्यम से एक मंच भी बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच। तो आप सभी लोग फेसबुक पर जाकर दिलीप कुमार को और इनका जो एक और मंच है उसको सपोर्ट करें फेसबुक के माध्यम से। और उन्होंने क्या लिखा है कि छात्र एकता जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग दिलीप कुमार को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वह भी एक छात्र हैं और ये छात्र होकर छात्रों के लिए, हक के लिए बराबर वो लड़ते आ रहे हैं, चाहे वो दरोगा के लेकर लड़े हों या फिर BCSC या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़े हैं, वो हमेशा लड़ते हुए देखे जाते हैं। तो आप लोग उनको सपोर्ट करें और जब भी महाआंदोलन होने जाएगा उस समय आप सभी लोग मिलकर में भाग लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।